हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि जो गाय होती हैं उसको 7 महीने प्रेगनेंसी में हमें दूध निकालना बंद करना होता है, उसे ड्राई कहते हैं। तो गाय को ड्राई कैसे करते हैं आज पूरी जानकारी देने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि एक गाय को हम दूध निकालना बंद कर रहे हैं तो उसके अडर में स्वेलिंग आ जाया कर रही है, और यही वो गाय है जिसके अडर में स्वेलिंग आ गई थी। उसके बाद में हमने इसका जो वापस से कंटिन्यू दूध निकालना किया और इसको थोड़ा बहुत नींबू हमने खिलाया है, और उसके बाद में एक समय इसका दूध निकालना बंद कर दिया है और एक ही समय हम इसका मिल्किंग कर रहे हैं। तो अभी वह समस्या नहीं आ रही है, उस दिन आ गई थी एक दिन, और सबसे पहले हमने एक दिन एक समय दूध नहीं निकाला था, इसी वजह से उसके जो थन है उसमें स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर हमने कुछ नींबू खिलाए और उसके बाद से वापस से दूध उसका निकाल लिया था। तो अभी एक समय उसका दूध निकालना बंद करने के बाद में भी स्वेलिंग नहीं आ रही है, यानी कि वह एक समय ड्राई होना चालू हो गई है। तो अभी थोड़े बहुत दिन में दोनों समय हम ड्राई इसको कर देंगे। उसके अलावा जैसे कि थोड़े बहुत दिन तक एक एक समय दूध निकालेंगे, उसके बाद में दोनों समय दूध निकालना बंद कर देंगे और 3 समय में एक समय दूध निकालेंगे, यानी कि 3-4 टाइम उसको छोड़कर फिर हम मिल्किंग करेंगे। उसके बाद में 2-3 दिन छोड़कर फिर मिल्किंग करेंगे, उसके बाद में उसे बिल्कुल दूध निकालना बंद कर देंगे, यानी कि दूध निकालना छोड़ देंगे। तो उसी गाय को कहेंगे ड्राई, और ड्राई रहेगी यह 2 महीने, यानी कि 7 महीने तक हम मिल्किंग करेंगे प्रेगनेंसी में, और 8वां और 9वां महीना ये केवल खुराक खाएगी और फीड खाएगी, मिनरल्स खाएगी। उसके बाद में इसकी हेल्थ बन जाएगी और फिर अगले लैक्टेशन के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसको ड्राई रहेगी यह लगभग 2 महीने, तो इन 2 महीने में इसके थनों में इन्फेक्शन ना हो, अगले लैक्टेशन में हमें कोई समस्या ना आए, इस वजह से हम इनके जो थन होते हैं चारों थन में एक इंजेक्शन होता है, एक ट्यूब होता है, वह डाला करते हैं। तो वह ट्यूब हम लेके आए थे, ये वाला, तो इसका नाम है टीलोक्स, आप देख सकते हैं। तो यह टीलोक्स ट्यूब हम लेके आए थे, इसी प्रकार के इंजेक्शन आपको मिलेंगे मार्केट में। तो इन ट्यूब को हम जो थन है उनमें जो सिरिंज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आती हैं, प्लास्टिक की ही सिरिंज आती हैं, आगे नोब आती हैं, तो इस नोब को निकाल कर ये फिल किए हुए आते हैं, 1 टाइम यूज़ होते हैं, और एक बार इसको थन में डाल देंगे उसके बाद में इसे फेंक देंगे, क्योंकि जो थन का इन्फेक्शन होता है, कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसीलिए यह फील आते हैं और प्लास्टिक के बनाए हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। ये जो होते हैं इसकी MRP में आपको यदि बताऊं, ये टीलोक्स नाम से आएगा, आप देख सकते हैं, और जो MRP है लगभग 70 रुपये इसकी MRP है। तो इसके आगे आप नोब देख सकते हैं, यह प्लास्टिक की नोब होती है, यह निकाल कर डायरेक्टली आप जो इंजेक्शन है थनों में चला जाएगा और आपकी गाय ड्राई हो जाएगी। तो गाय को जो ड्राई करने के लिए हम ये जो 4 इंजेक्शन लेके आए हैं चारों थनों के लिए, तो चारों थनों में हम डाल देंगे, फिर कभी भी दूध नहीं निकालेंगे 2 महीने तक, जब तक यह जनती नहीं है, जैसे ही यह बच्चा देगी और उसके बाद में फिर से दूध निकालना चालू कर देंगे। तो यह 4 इंजेक्शन चारों थनों में अलग अलग कंपनी के मिल सकते हैं आपको, कोई सी भी अच्छी ब्रांड के मिल सकते हैं या कोई सी लोकल ब्रांड भी मिल सकती हैं। तो यह नॉर्मल एवरेज यह जो इंजेक्शन होता है मस्टाइटिस में काम नहीं करता है, केवल और केवल गाय को यदि ड्राई रखना है तभी आपकी गाय में यह काम करेगा, यानी कि जो इन्फेक्शन है थन का वह ख़त्म कर देगा और गाय को जो दूध है वह सुखा देगा। ऐसा नहीं कि जो मस्टाइटिस में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, पर इससे जो बेटर इंजेक्शन आपको मिलेंगे वह मस्टाइटिस यदि आपकी गाय को हो जाता हो तो ज़्यादा काम वह कर सकता है। तो कैसे लगते हैं आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा। यह छोटा सा हमारा डेयरी फार्म है, कैसा लगता है आपको डेयरी फार्म, और डेयरी फार्म से और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या कोई सी भी ऐसी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं और हमने आज तक वीडियो नहीं बनाया है, आपके साथ नहीं शेयर किया है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आपको वीडियो शेयर कर सकें और आपको मिल सके नई और सही जानकारी। दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और सारे पशुओं की मिल्किंग कर ली है। हमारे सुबह की शुरुआत होती है लगभग 4:30 बजे से। 4:30 बजे हम यहाँ पर आकर सभी पशुओं का जो फीड है मिक्स कर देते हैं, और एक एक करके सभी को जो खुली पर बांधने के बाद में
उनका मिल्किंग कर लेते हैं, जैसा कि सुबह जल्दी काम निपट जाता है क्योंकि कुछ गायें ड्राई रखना चालू कर दी हमने, यानी कि कुछ गायों का दूध निकालना बंद कर दिया है। यह अभी ताज़ा जनी हुई गाय है जिसके नीचे फीमेल काफ हैं और इसकी भी मिल्किंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं सारे पशु फीडिंग कर रहे हैं और मिल्किंग हो चुकी है। इस गाय का भी हम दूध नहीं निकाल रहे हैं, 7 महीने प्रेग्नेंट हैं। इस गाय का भी हम दूध नहीं निकाल रहे हैं, यह भी 7 महीने प्रेग्नेंट है। इसके अलावा इस गाय का भी हम दूध नहीं निकाल रहे हैं, यह भी 7 महीने प्रेग्नेंट है। इस गाय का लगभग 10 दिन और दूध निकालने वाले हैं, इस गाय का और 10 दिन दूध निकालेंगे। इसके बाद ये सभी गाय जो ड्राई हो जाएगी और यह भी ड्राई हैं, उसके बाद में जो बची 5 गाय वह मिल्किंग करेगी, जिसमें से 2 गाय वापस से फिर ड्राई हो जाएगी। तो ये सुबह का माहौल है। ज़्यादा बल्ब फार्म पर नहीं लगा रखे हैं, केवल एक वहाँ पर है और एक और यहाँ पर है, जिससे कि बारिश में जो मच्छर वगैरह आते हैं तो वह कम आए और फार्म पर ज़्यादा मच्छर ना हो, क्योंकि पशुओं के खुली में गिरते रहते हैं जिससे काफ़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए जो नाइट में अभी जो बारिश का समय है अभी थोड़ा बल्ब बंद रखते हैं हम लोग, और शेड के नीचे ही जो है बल्ब है, बाहर कोई भी बल्ब नहीं है, जिससे कि बारिश में यदि हो सके तो करंट वगैरह का समस्या ना रहे फार्म पर। इसीलिए जो शेड के नीचे ही हमने बल्ब लगा रखे हैं, जिससे थोड़ा बहुत बाहर भी उजाला हो जाता है। तो ये दोनों फीमेल काफ जिनकी एआई हो चुकी हैं, लगभग एक काफ हाइट में छोटी हैं क्योंकि वह जर्सी के सीमन की हैं, क्रॉस ब्रीड, और उसकी जो हाइट है वही रहने वाली है। यह फर्स्ट वाली जो काफ है यह प्योर एचएम है, इसकी हाइट बढ़ेगी और बढ़ेगी, अभी काफ़ी बड़ी गाय यह बनने वाली हैं।